Hello everyone, welcome to NETMOC. My name is Dolly Chabra. This video is part 10 of chapter 2, Methods of Enquiry in Psychology. शुरू करने से पहले थोड़ा सा नेटमॉक के बारे में. नेटमॉक आपको यूपीएससी, एसबीआई और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता है. आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके नेटमॉक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने मिलेंगे. तो इस वीडियो में हम लोग रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की बात करेंगे. तो सबसे पहले रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन बाय एन इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन टू डिफरेंट ओकेजन. जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे हम अगर कोई टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं, तो जितनी भी बार उस पे वो टेस्ट एडमिनिस्टर की जाए, उसका जो स्कोर है वो कंसिस्टेंट अगर आए, तो हम कहेंगे कि ये जो टेस्ट है ये रिलायबल है. जैसे कि अगर किसी पे आज अगर कोई टेस्ट एडमिनिस्टर किया गया हो और उसका कुछ एक वैल्यू आई हो, उसका एक कुछ स्कोर आया हो एक्स के आसपास की कोई वैल्यू, तो फिर जब हम वो टेस्ट सेम इंडिविजुअल पे कुछ 15 से 20 दिन के बाद या किसी भी कुछ समय के बाद अगर एडमिनिस्टर करें, तो तब भी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का वो सेम टेस्ट पे जो स्कोर है वो एक्स की वैल्यू या एक्स के आसपास की ही वैल्यू आनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो जो हमारा टेस्ट है वो रिलायबल है. मतलब जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको जो स्कोर्स मिल रहे हैं कितने भी बार टेस्ट कंडक्ट किया गया हो, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, तो तीनों बार जो हमें वैल्यूज़ मिली है वो अगर सेम मिल रही है, जो स्कोर्स हमें मिल रहा है वो सेम मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि टेस्ट जो है रिलायबल है. राइट, तो रिलायबल टेस्ट वही होती है विच शोज नो वेरिएशन इन द स्कोर्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑन द टू ओकेजन्स. मतलब एक या एक से ज़्यादा बार हमने अगर टेस्ट एडमिनिस्टर किया है तो भी जो स्कोर्स है वहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को नहीं अगर मिल रहा है, मतलब कि हमें स्कोर्स अगर कंसिस्टेंटली सेम मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो जो टेस्ट है वो रिलायबल है. तो अब टेस्ट रिलायबिलिटी मेजर करने के लिए कुछ मेथड्स है, कुछ टाइप्स है रिलायबिलिटी के. तो उसमें है पहला टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. अब नाम से देखो, टेस्ट रीटेस्ट मतलब यहाँ पे एक बार टेस्ट दिया और फिर से टेस्ट दिया. राइट, तो तब यहाँ ऐसे जब कंडक्ट किया जाता है रिलायबिलिटी, तब हम उसे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं. इट इंडिकेट्स टेम्पोरल स्टेबिलिटी. अब टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम रिलेटेड. तो यहाँ पे अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे आज टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं और एक टाइम गैप के बाद फिर से हम अगर टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो ये जो टाइम गैप की वजह से कुछ जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस स्कोर में हमें कहीं पे भी कुछ इम्पैक्ट डालते हुए अगर ना दिखे, मतलब स्कोर तब भी सेम आए, पहली बार भी सेम आया और कुछ टाइम के बाद भी सेम आया, तो टाइम चेंज होने के बाद भी अगर स्कोर स्टेबल है, कंसिस्टेंट है, तब हम कहेंगे कि ये टेम्पोरल स्टेबिलिटी दिखा रहा है. मतलब यहाँ पे हम टेस्ट और रीटेस्ट रिलायबिलिटी मेजर कर रहे हैं. तो यहाँ क्या होता है कि सेम टेस्ट सेम इंडिविजुअल पे कुछ समय के बाद एडमिनिस्टर किया जाता है, और पहली बार जब भी टेस्ट कंडक्ट किया गया हो, तब सपोज कुछ टाइम लेंथ ऑफ टाइम दिया था, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स अगर पहली बार दिए हैं, तो जब सेकेंड टाइम टेस्ट एडमिनिस्टर करेंगे तब भी 30 मिनट्स ही दिया जाएगा. तो ये कुछ चीज़ें जो है जो पहले थी वही सेकेंड टाइम भी होनी चाहिए, तभी वो जो हमें स्कोर्स है वो हमें सेम देखने को मिलेंगे. अब ऐसा हो सकता है कि अगर पहली बार टेस्ट लिया गया हो और फिर उसके बाद थोड़ा उनको कुछ सिखा के, कुछ उनकी लर्निंग करवा के, कुछ मेमोराइज करवा के सेकेंड टाइम टेस्ट दे, तो जो स्कोर्स हमें देखने को मिलेंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं. राइट, तो ये जो लर्निंग या प्रैक्टिस, ऐसा कोई भी चीज़ बीच में ना कराते हुए पहली बार और दूसरी बार सेम इसमें अगर टेस्ट लिया जाता है, तो स्कोर्स जो है वो सेम आते हैं और तभी हमारा जो टेस्ट है वो रिलायबल होता है. अब एक एग्जांपल देती हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है, बट आप थोड़ा सा उससे कंपेयर करके ये टेस्ट रीटेस्ट को समझ सकते हैं. जैसे जब आप डॉक्टर के पास अगर ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए जाएंगे, तो ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि खाली पेट वो टेस्ट किया जाता है. तो जब पहली बार अगर खाली पेट ब्लड शुगर का टेस्ट किया, तो जो भी तब रिजल्ट आया वही रिजल्ट सेकेंड टाइम आएगा अगर हमने तब भी खाली पेट ब्लड शुगर को मेजर किया हो. जैसे अगर आज सुबह ब्लड शुगर का टेस्ट हुआ हो और एक आपको रिजल्ट कुछ मिल गया हो, और फिर आज शाम को सब कुछ खा पी के
फिर से अगर ब्लड शुगर का टेस्ट किया जाए तो यहाँ पे आपको दोनों में रिजल्ट सेम नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि पहली बार खाली पेट था और अब यहाँ पे कुछ खा पी के है, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज लेवल कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि क्या खाया था, राइट. तो यहाँ पे हमें स्कोर्स अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, मतलब रिजल्ट्स अलग अलग देखने को मिल सकते हैं. बट अगर आज ब्लड शुगर मेजर किया है खाली पेट और वापस से कल खाली पेट अगर ब्लड शुगर टेस्ट किया हो, तो यहाँ हम दोनों दोनों में हमें जो टेस्ट देखने को रिजल्ट देखने को मिलेगा वो सेम मिलेगा. तो जब सेम रिजल्ट मिल रहा है क्योंकि हमने कंडीशन सेम रखी है, यहाँ फर्स्ट टाइम भी खाली पेट, सेकेंड टाइम भी खाली पेट, कुछ हमने अपनी तरफ से एड ऑन अगर नहीं किया है तो हमें स्कोर्स जो है वो सेम देखने को मिलते हैं और तभी टेस्ट रिलायबल मानी जाती है. तो यहाँ क्या किया जाता है, इस तरीके से टेस्ट कंडक्ट की जाती है, पहली बार सेम कंडीशंस में और दूसरी बार भी सेम कंडीशंस में. और जो पहली बार टेस्ट स्कोर्स आए हैं, फर्स्ट टाइम वाले स्कोर्स और जो सेकेंड टाइम वाले स्कोर्स हैं, ये दोनों के बीच में कोरिलेशन निकाला जाता है. हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ा था, राइट, वो जिसकी वैल्यू होती है प्लस वन से लेकर माइनस वन तक. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं और अगर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कोएफिशिएंट के वैल्यू मिले, मतलब हमें स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन देखने को मिले, तब हम कहेंगे कि जो हमारे दोनों टाइम के स्कोर्स हैं वो दोनों कोरिलेट कर रहे हैं, और मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो टेस्ट है ये रिलायबल है. फिर सेकंड है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी. अब नाम से देखेंगे स्प्लिट हाफ, स्प्लिट हाफ मतलब हाफ हाफ कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल कोई एक टेस्ट है जिसमें 20 क्वेश्चंस है, तो ये 20 क्वेश्चंस जो है इसको ये 20 क्वेश्चंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 10-10 क्वेश्चंस वाली दो टेस्ट तैयार की जाती है यहाँ पे, और फिर अलग अलग ये 10-10 क्वेश्चंस वाली टेस्ट एडमिनिस्टर की जाती है. तो जब ऐसे की करके हम लोग रिलायबिलिटी मेजर करते हैं तो वो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी होती है. तो इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी. अब जो हमने टेस्ट रेटेस्ट वाली रिलायबिलिटी का पढ़ा था वो एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी मेजर कर रही थी, वो आपके जो स्कोर्स थे उनको कोरिलेट कर रही थी, राइट, मतलब टेस्ट की एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी मेजर हो रही थी. बट यहाँ पे हम लोग टेस्ट के आइटम्स की कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, टेस्ट के क्वेश्चंस की कंसिस्टेंसी देखते हैं, इसीलिए इंटरनल कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेजर की जाती है. अब अच्छे से मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे कैसे टेस्ट को डिवाइड किया जाता है. यूजुअली ऑड इवन मेथड ली जाती है. फॉर एग्जाम्पल पहली बार जो फर्स्ट हाफ हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 लिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 लिया जाएगा, और सेकेंड वाले में 2, 4, 6 इस तरीके से इवन नंबर वाले क्वेश्चंस लिए जाएंगे. तो ये जो पहले बार फर्स्ट हाफ वाली जो स्कोर्स आएंगे इसका और ये सेकेंड हाफ में जो भी स्कोर्स आएंगे इसका, ये दोनों के बीच का कोरिलेशन फाइंड आउट किया जाता है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो मिलता है अगर वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन शो कर रहा है, मतलब कि ये जो टेस्ट है ये रिलायबल है. यहाँ इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक हो रही है क्योंकि हम लोग यहाँ पे आइटम्स को डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चंस को हमने डिवाइड कर दिया और अलग अलग एडमिनिस्टर किया और देखा कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सेम रिजल्ट्स हमें दे रहे हैं क्या. फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस और सेकेंड पार्ट के क्वेश्चंस अगर सेम रिजल्ट देते हैं, मतलब कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो ये इंटरनल कंसिस्टेंसी शो करता है. अब यहाँ पे इक्वल हाफ्स में टेस्ट को डिवाइड किया जाता है ऑड इवन मेथड यूज़ करके, और दोनों हाफ्स में हमको जो जो स्कोर्स मिले हैं वो दोनों को कोरिलेट करके, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करके फिर रिलायबिलिटी चेक की जाती है. अब यहाँ पे एक डिफरेंस हमें देखना चाहिए कि पहले जो हमने टेस्ट वाली बात की थी वहाँ पे पहली बार अगर 30 मिनट्स दिया था टाइम, तो सेकेंड टाइम भी 30 मिनट्स देंगे. बट यहाँ पे अगर टेस्ट टोटल 30 मिनट्स वाली है तो फर्स्ट हाफ जब हम दे रहे हैं तब हम 15 मिनट्स देंगे, सेकेंड हाफ के लिए फिर हम 15 मिनट्स देंगे, तब जाके टोटल 30 मिनट्स होते हैं, राइट. तो यहाँ पे हर चीज़ को हाफ किया जाता है, क्वेश्चंस हाफ कर दिए जाते हैं और टाइम भी जो टेस्ट का होता है वो भी हाफ हाफ करके दोनों पार्ट्स में दिया जाता है. तो इस तरीके से स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. तो ये था रिलायबिलिटी के बारे में. अब हम वैलिडिटी की बात करते हैं. तो वैलिडिटी रेफर्स टू द क्वेश्चन डज द टेस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, मतलब टेस्ट वही मेजर कर रही है जो मेजर करने के लिए उसे बनाया गया था क्या. अगर टेस्ट वही मेजर करती है जो जिसके लिए उसे बनाया गया था, तब हम कहते हैं कि वो जो टेस्ट है वो वैलिड है. फॉर एग्जाम्पल
कोई अगर टेस्ट है जो मैथमेटिकल अचीवमेंट के लिए बनाई गई है, ये चेक करना है कि किसी स्टूडेंट का मैथ्स कैसा है, मैथमेटिकल एबिलिटी अगर चेक करनी है उसके लिए अगर टेस्ट बनाई है, तो वो टेस्ट क्या मेजर करती है, मैथमेटिकल अचीवमेंट या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर मैथमेटिकल अचीवमेंट ही चेक कर रही है तब हम कहेंगे कि वो टेस्ट वैलिड है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर टेस्ट बनाया है मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए, तो उसके जो आइटम्स रहेंगे, मतलब जो क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड होने चाहिए, राइट? कुछ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, कुछ एडिशन से रिलेटेड, कुछ सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, इस तरीके के अगर क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के अगर आइटम्स हैं, तो हम कहेंगे कि वो मैथमेटिकल एबिलिटी चेक कर रहे हैं, राइट? तो ये आइटम्स हम टेस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर ऐसा कोई आइटम है जो कि पूछ रहा है कि क्वारंटाइन का सिनोनिम बताओ, क्वारंटाइन का मतलब बताओ, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मैथमेटिकल एबिलिटी मेजर करने वाली टेस्ट में है, तो ये मैथ्स की एबिलिटी चेक ना करते हुए आपका लैंग्वेज चेक कर रहा है, आपकी वोकैबलरी चेक कर रहा है, राइट? तो इस तरीके का जो आइटम है वो एक्सक्लूड कर दिया जाना चाहिए। अगर इस तरीके के आइटम टेस्ट में रहेंगे तो टेस्ट वैलिड नहीं रहेगी। इसीलिए किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी मेजर करनी है तो हमें ये देखना होता है कि जो मेजर करने के लिए टेस्ट बनाया गया था, क्या वो टेस्ट वही चीज़ मेजर कर रहा है या नहीं। अगर इंटेलिजेंस का टेस्ट है तो आइटम्स इंटेलिजेंस से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा कोई भी आइटम उसमें नहीं होना चाहिए जिसका इंटेलिजेंस से कोई लेन देन ना हो, राइट? सो दिस इज वैलिडिटी। फिर नॉर्म्स की बात करते हैं। अब नॉर्म्स मतलब क्या है, नॉर्मल और एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। तो जैसे क्लास टेस्ट होता है, तो क्लास टेस्ट में टीचर क्या करता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबका स्कोर्स का एक एवरेज निकाल देते हैं, और एवरेज निकालने के बाद फिर हर एक स्टूडेंट का उसे कंपेयर करके देखते हैं। मतलब जो भी एवरेज निकला है उसके नीचे अगर किसी भी स्टूडेंट को मार्क्स है तो वो लो कैटेगरी में आ जाएगा, और एवरेज से ज़्यादा जिसको भी मार्क्स है वो हाई कैटेगरी में आ जाता है, राइट? तो इसी तरीके से साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी, अगर हमने किन्हीं 50 लोगों पे, फॉर एग्जांपल 50 लोगों पे कोई टेस्ट एडमिनिस्टर किया है, तो ये 50 लोगों के जो भी स्कोर्स होंगे वो सारे स्कोर्स का हम एक एवरेज निकाल देते हैं, और वो एवरेज जो रहता है उसे नॉर्म कहते हैं यहाँ पे, नॉर्म या फिर एवरेज, राइट? तो ये एवरेज से फिर कंपेयर किया जाता है हर एक स्टूडेंट का जो भी स्कोर आया है, और उसी तरीके से हाई और लो की फिर एक कैटेगरी बना दी जाती है। तो नॉर्म यहाँ पे डिसाइड करना या एवरेज निकालने का एम यहाँ पे यही होता है कि स्टूडेंट्स का जो भी परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जा सके बाकियों के साथ, है ना? जो एवरेज निकला होता है वो तो पूरे ग्रुप के स्कोर्स का एवरेज होगा, राइट? तो एक स्टूडेंट का बाकियों के पूरे ग्रुप, बाकी पूरे ग्रुप के हिसाब से किस तरीके का परफॉर्मेंस है वो चेक करने के लिए, वो कंपेयर करने के लिए ये नॉर्म निकाला जाता है। तो ये हमने आज वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और नॉर्म्स के बारे में पढ़ा। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से भी नेटमॉक्स से जुड़े रह सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।